ओम शांति। आज की तारीख है 25/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, जिस राजयोग को कर्म योग भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा? उत्तर है, लोभ वृत्ति। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं कि बच्चे लोभ रखो, परंतु बेहद के बाप से वर्षा लेने का लोभ रखो, बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो। नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक है, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। नंबर दो, बाबा जो खिलाए जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते हैं कि बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा ही मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहेगा। स्लोगन है आज का, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से, करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।